नमस्कार, इजी मेड विद पिंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पपीते से एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। पपीते का सेवन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए एक सबसे अच्छा फ्रूट माना गया है। आज हम इसकी एक बहुत ही अलग सी मिठाई बनाएंगे और इस मिठाई में हम घर की सामग्री का प्रयोग करेंगे। शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि मेरी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक पपीता है, ये थोड़ा कम पका हुआ है इसलिए ज़्यादा मीठा नहीं है, तो इसके हम बनाएंगे आज मिठाई। इसके पीसेस करके हम इसके छिलके निकाल लेंगे और छिलके निकालने के बाद अब कर लेंगे हम कद्दूकस। इसको कद्दूकस करने के ये फ़ायदा है कि ये पकता भी जल्दी है और मिठाई भी अच्छी बनती है इससे। ये हमने कद्दूकस कर लिया। अब लेंगे एक कढ़ाई और उसके अंदर डालेंगे एक चम्मच घी और इसके अंदर डालेंगे जो हमने पपीता कद्दूकस किया है उसको, और इसमें पकाएंगे घी में। घी में पकाने का एक फ़ायदा है, इसमें ये पकता भी जल्दी है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और एक अलग सा फ्लेवर आ जाता है और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो जाता है। बाद में घी डालने से अच्छा है फर्स्ट में एक चम्मच घी डालकर आप इसे थोड़ा इस तरह फ्राई करें 4 से 5 मिनट। अब इसके अंदर डाल देंगे हम ये दूध, मैंने 1/2 लीटर लिया है दूध। अब दूध डालने के बाद हम इसको पकाएंगे। कुछ देर इसको हम ढककर पकाएंगे, ढक देते हैं इसको हम, और ये थोड़ा पक गया अच्छे से। थोड़ी दूध की मलाई इसमें डाल देते हैं। दूध और दूध की मलाई डालने से इसमें एकदम मावे के जैसा टेस्ट आता है और एकदम दानेदार बर्फी बनती है ये। और इसके बाद थोड़ा सा डाल देते हैं इलायची पाउडर, 2 से 3 इलायची को मैंने बारीक कर लिया था, ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो डालें वरना नहीं। और ये थोड़ा सा यहाँ पर पक गया हमारा, थोड़ा सूखने लगा, तो अब इसके अंदर डाल देंगे हम ये चीनी, लगभग 1 कटोरी से थोड़ी सी कम है। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, क्योंकि कुछ थोड़ा सा तो पपीता भी मीठा होता है अगर ज़्यादा नहीं है तो, कच्चा होने की वजह से। और ये थोड़ा ज़्यादा अभी पकने लग गया है, एकदम थोड़ा सा थिक होने लगा है, बस लगभग कुछ देर में ये तैयार हो जाएगा। अब ये पैन छोड़ने लगा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कढ़ाई को छोड़ता है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डाल देते हैं बादाम, ड्राई फ्रूट कुछ हम बाद में डालेंगे ऊपर से, और इसको हम रख देंगे, ये तैयार हो गया। यहाँ पर हमने एक डब्बा लिया है, इसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगा दिया, इस पर हल्का सा हम लगा देंगे घी और इसके अंदर डाल देंगे हम जो हमने तैयार किया है मिश्रण, ये मिठाई का सेट होने के लिए रखेंगे इसको। इसके अंदर इसको थोड़ा अच्छे से हम बराबर सेट कर देंगे इसकी लेयर, और इसके ऊपर हम डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं इसमें कोई भी, और इसको हम रख देंगे 2-3 घंटे के लिए, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको सेट होने के लिए। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट होने के लिए, लेकिन ये बाहर ही अच्छे से सेट हो जाती है। करीब 2 से 3 घंटे हो गए, अब मिठाई को हम चेक करेंगे। ये देखिए हमारी मिठाई एकदम अच्छी सेट हो गई है। इसको निकाल लेते हैं इसके अंदर से और इसको साइड से हटाएंगे और इसके हम करेंगे पीसेज। अगर आपको और भी अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट होने के लिए, तो ये मिठाई और भी ज़्यादा टाइट और एकदम अच्छी सेट हो जाएगी। लेकिन मैंने इनको बाहर ही रखा था इसलिए थोड़ी सॉफ्ट दिखाई दे रही होगी आपको। और अपनी पसंद के हम इसके अंदर पीसेज कट कर लेंगे, जिस भी आकार में आपको पीस काटने हो इसके, छोटे या बड़े, बस हम इसी तरह इसके पीसेज कट कर लेते हैं।
और ये मिठाई देखने में भी आपको लग रही होगी एकदम बहुत ही दानेदार और मावे की मिठाई, और रियल में ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।